नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, यह है काठमांडू का नया बस अड्डा। आज हम यहां से जा रहे हैं गोरखपुर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि काठमांडू से गोरखपुर सबसे सस्ते में और आसान तरीके से कैसे पहुंचें। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से वीडियो समझ में आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। काठमांडू के नए बस अड्डे से आपको नेपाल देश के सभी स्थानों के लिए बसें मिल जाएंगी, जैसे पोखरा, जनकपुर, सनौली बॉर्डर, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ आदि प्रसिद्ध स्थानों के लिए आपको यहां से डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। गोरखपुर पहुंचने के लिए दोस्तों हमको यहां से सनौली बॉर्डर के लिए बस लेनी होगी, लेकिन आपको यहाँ पर एडवांस में बस के अंदर अपनी सीट बुक करवानी होगी। आप यहां पर रात के 8 बजे से पहले पहले अपनी सीट बुक करवा लें। इस बस अड्डे में टिकट काउंटर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहते हैं। आप किसी भी समय आकर यहां पर टिकट बुक करा सकते हैं। मैंने यहां से सनौली बॉर्डर तक की टिकट ली थी, जो मुझे 750 रुपये की इंडियन करेंसी में पड़ी थी। शाम को 4 बजे मैंने बस की टिकट बुक करा ली थी और रात के 8 बजे की मेरी बस है। रात को 8 बजे बस आपको यहीं पर मिलेगी, जिस बस की आपने सीट बुक करी है। ये देखिए दोस्तों वीडियो में, ये दोस्तों बस है हमारी। पूरी बस दोस्तों एयर कंडीशनर है और इस बस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कंबल भी रखे हुए हैं सीट के ऊपर। जब आपको ठंड महसूस हो तो आप इन कंबल का उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कि हर सीट पर एक एक कंबल रखा हुआ है। ठीक 8 बजे ये बस अपने टाइम पर रवाना हो जाएगी यहाँ से सनौली बॉर्डर के लिए। काठमांडू का ये नया बस अड्डा पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। पशुपतिनाथ मंदिर के पास से ही आपको यहाँ की लोकल बसें मिल जाएंगी नए बस अड्डे के लिए। तो क्या वहाँ भी ऐसे करेगी? चल उठ जा। इस बस में LED भी लगी हुई है, यहाँ पर आप मूवी वगैरह भी देख सकते हैं। आप बोल दीजिएगा बस वाले को कि मुझे मूवी देखनी है तो लगा देगा। काठमांडू से सनौली बॉर्डर तक का इस बस में आपका बहुत अच्छा सफ़र कटने वाला है दोस्तों। सुबह हो गई है दोस्तों, मूवी देखते देखते रात कब बीत गई टाइम का पता ही नहीं चला। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों। नेपाल देश में रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए हमें इतना समय लग रहा है काठमांडू से सनौली बॉर्डर पहुँचने में। काठमांडू से सनौली बॉर्डर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर होगी। लगभग 11 से 12 घंटे का समय लग जाता है सनौली बॉर्डर पहुंचने में काठमांडू से। सनौली बॉर्डर हम पहुंच गए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब यहां से पैदल हम इंडिया बॉर्डर की तरफ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों सामने बॉर्डर है, ये नेपाल का दोस्तों बॉर्डर है और सामने आप देख रहे हैं उस तरफ इंडिया का बॉर्डर है। हम नेपाल क्रॉस करके अब इंडिया की तरफ जा रहे हैं। आई लव माई इंडिया। दोस्तों हम इंडिया के अंदर आ गए हैं। अब यहां से हम जाएंगे नौतनवा रेलवे स्टेशन। यहां से आपको नौतनवा रेलवे स्टेशन के लिए शेयरिंग में टेम्पो मिल जाएंगे, जिनमें 20 रुपये पर व्यक्ति किराया होता है। सनौली बॉर्डर से 200 मीटर की दूरी पर यह बस स्टैंड है दोस्तों महाराजगंज का। आपको यहां से डायरेक्ट बसें भी मिल जाएंगी गोरखपुर के लिए। बस में दोस्तों ज़्यादा किराया भी लगता है और समय भी ज़्यादा लेती है, इसलिए दोस्तों मैं बस से नहीं जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा गोरखपुर। सनौली बॉर्डर से टेम्पो वाले ने हमें नौतनवा रेलवे स्टेशन 10 से 15 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुँचा दिया है। सनौली बॉर्डर से नौतनवा रेलवे स्टेशन तक का 20 रुपये हमारा किराया लगा है टेम्पो में। दोस्तों सनौली बॉर्डर से नौतनवा रेलवे स्टेशन की जो दूरी होगी वो लगभग 8 किलोमीटर होगी। ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मैं दोस्तों टिकट लूँगा। ये टिकट काउंटर है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से मैं जनरल टिकट लूँगा गोरखपुर के लिए। 45 रुपये की मुझे टिकट मिली है नौतनवा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर तक के लिए। दोस्तों हमारी ट्रेन लग चुकी है, वो देखिए सामने। इस ट्रेन का नाम दोस्तों दुर्ग एक्सप्रेस है। ये हर संडे और शुक्रवार को सुबह 11:40 पर यहाँ से रवाना होती है। अभी 11:30 बज रहे हैं दोस्तों और ठीक 11:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों 4-5 ट्रेनें और हैं नौतनवा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए। एक शाम को 3 बजे जाती है छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, एक जाती है शाम को 6:55 पर गोरखपुर एक्सप्रेस, 6:55 पर लास्ट ट्रेन निकलती है नौतनवा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए। एक ट्रेन सुबह 6:05 पर निकलती है गोरखपुर के लिए, प्रतिदिन चलती है, और 6:55 पर जो जाती है शाम को वो भी दोस्तों प्रतिदिन चलती है। छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस जिसके बारे में मैंने अभी पहले बताया, वो ट्रेन भी दोस्तों संडे को छोड़कर बाकी हर दिन चलती है। इन सभी ट्रेनों में जनरल क्लास का 45 रुपये पर व्यक्ति किराया होता है। इन सभी ट्रेनों के अलावा एक ट्रेन और है जो सुबह 9 बजे जाती है हर शनिवार को। गोरखपुर रेलवे स्टेशन फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है। हमें दुर्ग एक्सप्रेस ने 10 मिनट देरी से यहां उतारा है। दोस्तों कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में हम अच्छे से काठमांडू से गोरखपुर सबसे आसान तरीके से पहुँच गए हैं। काठमांडू से गोरखपुर पहुंचने का इससे आसान तरीका दोस्तों दूसरा और कोई नहीं होगा। लगभग 820 रुपये हमारे खर्च हुए हैं काठमांडू से गोरखपुर पहुंचने में। दोस्तों अब वीडियो को मैं ही समाप्त करूँगा। इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।